नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सुलभ पर्वत आसन देखेंगे। अंतिम स्थिति में यह आसन पर्वत की तरह यानी माउंटेन की तरह लगता है, इसलिए इसे हम पर्वत आसन कहते हैं। यह आसन किसे नहीं करना है? जिन्हें हंचबैक यानी कुबड़ का प्रॉब्लम है, कंधों में दर्द है या मेरुदंड में तीव्र दर्द है, तो उन्हें यह आसन नहीं करना है। अब सुलभ पर्वत आसन में जाने के लिए सबसे पहले अपनी आंखें खोले, विश्राम अवस्था से प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, अपने दोनों पैरों को नजदीक लाए, हील्स टूज नीज टुगेदर, हैंड्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी, और अब आपका जो पीठ है उसे सीधा रखे, मेरुदंड सीधा, जो आपका चिन है पैरेलल टू द ग्राउंड। अब यहाँ पर आपको अर्ध पद्मासन में जाना है, उसके लिए सबसे पहले आपका राइट लेग जो है उसे घुटने में फोल्ड करना है। अब आपको उसे थोड़ा सा नीचे की ओर लेके जाना है। अब राइट हील को राइट हैंड से और पंजे को लेफ्ट हैंड से लेके आपके पैर को जो है वो लेफ्ट जांघ के ऊपर रखना है। अब आपको लेफ्ट पैर को फोल्ड करके राइट पैर के नीचे रख देना है। अब आपके हाथ जो है वो द्रोण मुद्रा में होने चाहिए। यह अर्ध पद्मासन की स्थिति है। अब हम यहाँ से सुलभ पर्वतासन में जाएंगे, इसलिए आपको अपने दोनों हाथ जो है वो नमस्कार मुद्रा में लाके जेंटली और उसे डायफ्राम के पास आपको रखना है। आपकी जो उंगलियां है हाथों की वो थोड़ी सी शरीर से दूर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको जो आपके फोरआर्म है वो पैरेलल ही रखने हैं। अब हम धीरे धीरे फोरआर्म को पैरेलल रखते हुए ऊपर की ओर दोनों हाथों को लेके जाएंगे। जब वो फोरहेड तक आएंगे वहां तक आपको वो पैरेलल रखने हैं, फिर हाथ जो है ऊपर की ओर आपको सीधे करने हैं। अपनी जो बाहें है उसे कानों को स्पर्श करें। आपके एल्बो यहाँ पर बेंड नहीं करना है, दोनों पंजों को एक साथ यहाँ पर रखना है। अब इस स्थिति में आंखें बंद करना है और CDR यानी कॉन्शियस डिफरेंशियल रिलैक्सेशन करना है। आसन में जो बॉडी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं हम उसे शिथिल करते हैं, उसे CDR कहते हैं। आपको अपने चेहरे के जो मांसपेशी है उसे रिलैक्स करना है। और अब आपको प्राण धारणा द्वितीय करना है, यानी भीतर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस जो उसका स्पर्श है उसे नथुनियों के भीतर महसूस करना है। अब आसन स्थिति से बाहर आने के लिए सबसे पहले अपनी आंखें खोलिए। अब अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आइए। जब वो फोरहेड तक आ जाएंगे तब उन्हें आपको समांतर ही रखना है। आपके जो फोरआर्म है उनको समांतर रखते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर आपके डायफ्राम तक आपको लेके आना है। और फिर आपको द्रोण मुद्रा में आना है और फिर आपको अर्ध पद्मासन में से बाहर आ जाना है। सबसे पहले लेफ्ट पैर को सीधा करना है और फिर राइट पैर को आपको फिर से सीधा करना है। यहाँ पर आपको विश्राम अवस्था में आना है। धन्यवाद।